जी थोड़ी देर बाहर कुछ एक दो काम थे वो किए, और अब जो है ना हम इधर एक डॉलर शॉप थी वहाँ पे आई हूँ। मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप ना डॉलर शॉप का भी कोई विजिट करवाएं, तो हमारे ना इधर पास ही जरा कोई न्यू डॉलर शॉप खुली थी, तो जरा बड़ी लग रही थी। मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, मुझे नहीं पता अभी जाके अंदर देखेंगे कि क्या क्या है, क्योंकि मैं चाह रही थी किसी अच्छी जगह पे बड़ी बड़ी जो डॉलर शॉप हो ना वहाँ आपको लेके जाऊँ, वहाँ का विजिट कराऊँ, क्योंकि छोटी छोटी तो बहुत ज्यादा हर जगह पे बनी हुई है। तो ये जरा एक न्यू हमारे घर के पास ही खुली है, तो यहाँ पे चलते हैं और जाके देखते हैं क्या क्या है। अच्छा जी, तो हम आ गए, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट्स वगैरह ही होता है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और जैसे ही मैं आई ना तो लाइट ही नहीं ऑन थी, तो मुझे लगा शायद अभी शॉप बंद है, लेकिन शॉप जो है वो ओपन थी। तो हमने फिर जो है चीज़ें देखना स्टार्ट कर दी हुई थी। और ये जो ग्लास थे ना, इनके पास काफ़ी अच्छी काफ़ी वैरायटी में पड़े हुए थे, और कुछ ग्लास जो है वो $1 में वन थे, मतलब एक मिल रहा था, और कुछ जो है वो $1 में टू ग्लास मिल रहे थे। ये जो है ना, मतलब उन्होंने लिख के लगाया हुआ था नीचे, जो आपको टैग्स अक्सर नज़र आ रहे होंगे, कि कुछ चीज़ें जो है वो दो चीज़ें आपको मिलेंगी, टू आइटम्स होंगी लेकिन $1 की होंगी, और कुछ जो है वो वन आइटम ही होगी $1 की। यहाँ पे जो डॉलर का रेट था ना वो था जी 260। हर जगह का आजकल डिफरेंट ही है रेट चल रहा है डॉलर का, तो लेकिन जो है ना इस शॉप पे 260 का दे रहे थे। अब जिस तरह से ये एक पैक था, ये स्पाइस बॉक्सेस थे, और ये जो है ना 4 का पैक था, और ये चाय के कप्स थे, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल थे, और ये कुछ जो है वो डिस्पोजेबल चमचे वगैरह, स्ट्रॉज, ये पार्टी के लिए बड़ी अच्छे यूज़ हो सकती हैं, और टिशू रोल्स भी थे, टिशू के जो पैक्स होते हैं पार्टी पैक वो भी अवेलेबल थे। काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास क्रॉकरी की ना, और ये कुछ ट्रेस भी थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं थी, काफ़ी हैवी क्वालिटी की थी, डिज़ाइंस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आजकल डॉलर शॉप पर देखने को मिलती हैं, और हर डॉलर शॉप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कुछ ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ इतनी अच्छी नहीं होती हैं, और जो है ना कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है और कुछ जगह पे नहीं होती। तो ये ज़रा न्यू शॉप ओपन हुई थी बहरिया में, बहरिया टाउन में जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे विजिट कर लेते हैं। और इसी तरह मैं देख रही थी कि काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास, प्लेट्स की भी डिफरेंट साइज़ भी अवेलेबल थे, डिफरेंट डिज़ाइन थे, और क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त थी। आजकल जो है ना लोग ज़्यादातर डॉलर शॉप से ही प्लेट्स वगैरह लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है वो अच्छी जो है वैरायटी होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये कुछ जो है वो सालन वाले बाउल्स जो थे वो भी इनके पास अवेलेबल थे, कैप्स के साथ भी थे, विदाउट कैप्स भी थे, और ये जग्स वगैरह शीशे के भी अवेलेबल थे, प्लास्टिक के भी अवेलेबल थे। ये कंटेनर्स मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, मैं बार बार इनको देख रही थी, और ये $1 का एक ही कंटेनर था क्योंकि ये शीशे का था, और जो शीशे की चीज़ें हैं ना वो $1 में आपको एक ही मिलेंगी। और ये जो है ना बटर वाला था बॉक्स शीशे का, ये भी बड़ा अच्छा था, और कुछ जो है वो ये थर्मस वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल थी, और ये एयरबर्ड्स, बच्चों के फीडर, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है फीडर्स की, लेकिन ये है कि लोग लेते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ले सकते, वो जो है वो यहाँ से फीडर्स भी लेते हैं। और ये कुछ जो शीशे की डिशेस वगैरह होती हैं ना, ये तो ज़बरदस्त होती हैं, मैंने बहुत सारी डिशेस ली भी हैं यहाँ से, और ये अंबर मेरे पास लेके आई कि ये ग्लास कितना अच्छा गोल मटोल सा बड़ा प्यारा ग्लास लग रहा था। और बस ये मैं देख रही थी कि इधर टूथपिक्स वगैरह भी, इस टाइप की चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। ये साथ में कुछ जो है ना डिश मैंने निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत हैवी थी इसलिए मुझसे निकाली नहीं गई, मैंने उसको फिर छेड़ा नहीं। जो है ना कुछ यहाँ पे टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए थे, और जो है ना ये जो चमचे थी ना ये बड़ी ज़बरदस्त थी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी क्वालिटी। और इस तरह की जो है ना क्वालिटी वाइज चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, कुछ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी होती है, लेकिन ज़्यादातर की आजकल मैं देख रही हूँ कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आना शुरू हो गई हैं डॉलर शॉप पर भी। और हर डॉलर शॉप जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है, हर उस पर डिफरेंट ही चीज़ें पड़ी होती हैं, कहीं पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, कहीं पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, और डिफरेंट जिस तरह हमें कुछ चीज़ें ऑनलाइन देखने को मिलती हैं और वो अक्सर हमें डॉलर शॉप पे भी मिल जाती हैं, और वो ज़रा ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में होती हैं। तो बस इधर मैं कुछ यही देख रही थी, क्रॉकरी की चीज़ें, क्रॉकरी की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास, जिस तरह से ये स्पून्स वगैरह लगी हुई हैं नॉन स्टिक वाली, और नीचे जो है वो आपको मेयरिंग कप्स, और ये इस तरह की छाननियाँ वगैरह, ये और ये जो विक्सर होता है ये भी था। बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास इस तरह की चीज़ों की भी, और ये कुछ हुक्स वगैरह भी अवेलेबल थी।
ये भी मैंने लिया था लेकिन ऑलरेडी मेरे पास है, ये मैंने शायद डॉलर शॉप से ही लिया था। और ये यहाँ पे जो है ना कुछ चमचे वगैरह भी लगी हुई थी, ये चिमटा था, ये जो प्लेन चिमटा होता है, पहले मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाँ ये तो चिमटा है। तो बस मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी ये तो चिमटा है, मैं समझ रही थी पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो खैर बस ये भी जो है ना $1 की वन थी। और ये कुछ प्लास्टिक स्पूंस मुझे बड़ी अच्छी लगी थी लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और ये जो कपड़े टांगने वाली तार होती है ना, ये बड़ी अच्छी तार है, और ये मुझे नज़र आ गई थी, मतलब ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट टाइम यहीं से लूँगी। और इसी तरह ये जो पेचकस वगैरह इस तरह के टूल्स होते हैं ये भी अवेलेबल थे, गार्डनिंग के टूल्स भी अवेलेबल थे, काफ़ी कुछ इनके पास था। और हैंगर्स बड़े अच्छे थे, मैंने गलती कर दी, मैंने पहले हैंगर्स ले लिए, वरना मैं यहाँ से हैंगर्स लेती, मुझे पता नहीं था कि इतने अच्छे हैंगर्स होंगे इनके पास। और ये कुछ जो है इसी तरह के, मतलब ये पैक में मिल रहे थे, मतलब अब ये $1 का 2 का पैक था मग्स का, और प्लास्टिक के मग्स थे वो। और ये जग है, ये ऑलरेडी मेरे पास है तो ये यहाँ पे अवेलेबल था, ये मुझे बहुत कम जगह पे नज़र आया तो इनके पास अवेलेबल था। इसके अंदर 4 छोटे कप्स होते हैं, ये ट्रैवलिंग में बड़ा सही रहता है ये वाला जग ना, बीच में आप कप्स भी रख दो और जग भी होता है, कप्स भी आपके पास जो है वो आते हैं। और ये कुछ यहाँ पे फिनाइल वगैरह, शैम्पू, ये चीज़ें भी अवेलेबल थी, और कुछ जार्स वगैरह। अब ये स्पाइस जार है, ये बड़ा अच्छा था, डिफरेंट, मतलब ये निकल भी आते हैं बीच में से, जो कलरफुल वाले पार्ट्स है ना ये निकल के आप साफ भी कर सकते हो, ये मुझे अच्छा लग रहा था। और ये ट्रेस भी जिस तरह से वो ब्लैक वाली सीधी थी, ये गोलाई में भी थी चीज़ें। और कंटेनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थे इनके पास, बॉक्सेस हर शेप के, हर डिज़ाइन के, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। और ये ऑर्गेनाइजर्स मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, ये जो बास्केट्स है ना ये बहुत ही अच्छी थी, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और ये 2 का पैक मिल रहा था, और ये जो कंटेनर्स हैं ये 4 का पैक था। कुछ बास्केट्स भी थी, ये कंटेनर्स आप किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्टोरेज के लिए, खाना शाना रखने के लिए, तो ये इनके पास तो ये हद किस्म की वैरायटी थी। ये वाले बॉक्सेस बड़े अच्छे थे, कंटेनर्स गोल गोल थे लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। कुछ की क्वालिटी बिल्कुल बस नॉर्मल सी थी लेकिन कुछ कंटेनर्स की क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी थी। ये मुझे लंच बॉक्स सा बहुत अच्छा लग रहा था, इसके अंदर मतलब अब बहुत अच्छी क्वालिटी का बना हुआ था लंच बॉक्स। आप हस्बैंड को मतलब ऑफिस वगैरह के लिए भी दे सकते हो, और बड़ी मतलब अच्छी क्वालिटी का ज़बरदस्त था ये। और कुछ जो है वो 3 के ये पैक थे। और ये जो है ना मग्स थे, मतलब चाय के कप्स थे छोटे वाले, इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा था लेकिन हम यूज़ नहीं करते जो छोटे कप्स होते हैं। और ये 3 का पैक था, मतलब 3 आप $1 में ले सकते हो। ये टब भी था, ये भी मतलब यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा किचन में, और इसकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त थी। इसकी क्वालिटी आप चेक करें, ये तो देखने से ही पता चल रहा है ना कि ये बास्केट्स कितनी अच्छी क्वालिटी की हैं। कुछ चीज़ें तो देखने से ही पता चल जाती हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, इनकी क्वालिटी ज़बरदस्त है। कुछ चीज़ें जो है वो जब तक आप टच ना करो कुछ आपको पता नहीं चलता, कुछ की बस जो है वो नॉर्मल सी क्वालिटी होती है। और लंच बॉक्स भी बच्चों के अवेलेबल थे, ये लंच बॉक्सेस की भी वैरायटी थी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। और कुछ स्प्रेज वगैरह जो होते हैं ना ये भी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और ये मतलब जो जिस तरह के मैं यूज़ करती हूँ ना अपने बच्चों का लंच वगैरह रखने के लिए बॉक्सेस, वो उस तरह के भी बॉक्सेस थे। और ये जो स्प्रे बॉटल्स होती हैं ना ये, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये मुझे बड़े अरसे बाद नज़र आया, ये एक छोटा स्टैंड है, मतलब ये 2 लेयर्स में स्टैंड होता है, और ये इतना छोटा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा इस डॉलर शॉप पे ये छोटा वाला। और बस ये जो है ना इधर ये बास्केट्स का सेट भी लगे हुए थे, डिफरेंट डिज़ाइन से बास्केट के सेट्स के। और ये कुछ जो है ना हाउस होल्ड की चीज़ें, जिस तरह ब्लीच वगैरह हो गई, विंडो क्लीनर हो गया, डिश वॉशर हो गया, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन जो शैम्पूज है ना वो मैं रिकमेंड नहीं करती कि शैम्पू आप यहाँ से लें, क्योंकि वो बाल आपके ख़राब हो जाते हैं, तो वो आप अगर किसी अच्छी जगह से ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इस दूसरी चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो बेशक ले लें जो घर की यूज़ की चीज़ें होती हैं। और ये कप देखे कितने प्यारे हैं, सॉरी ग्लास, ये ग्लास मुझे बड़े पसंद आए थे, फिर मैंने दिल किया ले लूँ बच्चों के लिए लेकिन फिर मैंने नहीं लिया। और वाटर बॉटल्स तो एज़ यूजल हम वहाँ से लेते ही लेते हैं डॉलर शॉप से, और ये बहुत अच्छी लगी हुई थी। और अब थोड़ी वैरायटी कम लग रही थी मुझे वाटर बॉटल्स की, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले बहुत ज़्यादा वाटर बॉटल की वैरायटी होती थी। और ये कुछ यहाँ पे वाइपर्स वगैरह, छोटे वाइपर्स, ब्रश, स्पंज और कप, वो नहाने वाले जो मग्गे होते हैं वो भी पड़े हुए थे। और ये स्टील के भी बड़े बड़े चमचे, सबसे बड़े चमचे, पराते, इस टाइप की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा पड़ती।
और ये आ गई जी मैं, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना ये शीशे वाली कुछ चीज़ें रह गई थी दिखाने, एक मतलब एक साइड तो मैंने आपको दिखा दी थी लेकिन ये दूसरी साइड थी, ये यहाँ पे इतनी भारी ये थी ना फिश वाली डिश, ये बहुत ज़्यादा भारी थी, मैंने उठाई ही नहीं गई मुझसे, मैंने जो है वो बड़ी उठाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं उठा सकी उसको। और ये जो है ना ये बाउल मुझे बड़ा प्यारा लगा था शीशे का ये, और नीचे इसके प्लास्टिक के भी कुछ बाउल्स वगैरह पड़े हुए थे। ये डिश भी बहुत ही अच्छी थी, इसके अंदर 3 जो है वो पार्ट्स बने हुए थे। इस तरह की डिश जो है ना वो मैंने नहीं देखी पहले, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी है इस तरह की डिश। और ये कुछ स्क्वाश टेप वगैरह स्टेशनरी की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी वो भी मैं नहीं दिखा सकी। और इस डॉलर शॉप पे मेकअप की चीज़ें नहीं थी, शायद अभी वो रखना अभी रखेंगे, अभी न्यू ओपन हुई थी इस वजह से मेकअप इतना नहीं था, लेकिन स्टेशनरी की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और ग्लास की वेराइटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखें ये 2 मतलब 2 ग्लास आपको $1 में मिलेंगे और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये ग्लास भी अच्छे थे लेकिन थोड़े जो है वो मोटे थे लेकिन डिज़ाइन इनका प्यारा था। फिर जी एक साइड पे प्लास्टिक के ये बाल्टियाँ वगैरह थीं और ये छोटे छोटे स्टूल्स थे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे बच्चों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, ये छोटे वाले स्टूल्स जो होते हैं। और ये आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये बड़े मज़े की चीज़ मुझे लगी, ये होता है जी सर पे मतलब आप मालिश करने के लिए। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मुझे समझ आई, मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है इससे यार, ये तो मैंने जब ट्राई किया फिर मैंने अंबर को भी ट्राई करवाया और ये बड़ा ही मज़ा आया इसको मुझे करके ना, तो मैंने कहा यार ये ले लेते हैं। वैसे ही मेरे हस्बैंड को ना बड़े ही पसंद आई ये चीज़ें ना कि मेरे सर पे मालिश करो, तो फिर मैंने ये ले लिया। ये मुझे फ़र्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ कोई नज़र आई थी डॉलर स्टोर पे। और यहाँ पे बस जो है ना कुछ डस्टबिन वगैरह बास्केट्स और टिशू रोल्स, ये जो टिशू रोल्स होते हैं ना ये बड़े काम के होते हैं क्योंकि ये बहुत टिशूज़ वैसे ही बड़े यूज़ होते हैं और आप डॉलर स्टोर से ये बड़ा वाला ले लो ना तो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है। और यहाँ पर ये कुछ पैक थे जो बच्चों के मतलब पैक्स बना हुआ था, प्लेट चम्मच और ग्लास वगैरह की, ये कुछ स्टोरेज थी स्टोरेज बॉक्सेस थे। और ये जो छोटे छोटे ड्रॉज होते हैं ना ड्रॉज वाले कंटेनर्स, ये बड़े अच्छे रहते हैं, इसमें आप कोई भी अपनी चीज़ कोई ज्वेलरी कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो और बड़े अच्छे तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ें जो है आपकी ऑर्गेनाइज होकर ना आप उसको सेट करके रख सकते हो ड्रॉ में या कहीं भी ना। और ये दूसरी साइड पर जो है ना कुछ बच्चों की चीज़ें लगी हुई थी, जैसे बच्चों न्यू बॉर्न बेबीज़ के टॉवल वगैरह होते हैं, फेस टॉवल्स होते हैं, बेब्स होते हैं, इस टाइप की चीज़ें। और ये नीचे जो है ना कुछ डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी, जिस तरह से ये फ्रेम्स थी कोट्स वाली और बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, डिज़ाइंस काफ़ी मज़े मज़े के लगे और इनके ऊपर कोट्स जो लिखे हुए थे वो भी बड़े ही अच्छे अच्छे से लिखे हुए थे, काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए थे तो मुझे बड़े पसंद आए थे। पहले मैं बच्चों के लिए लेने लगी थी लेकिन फिर मैंने नहीं लिए क्योंकि बच्चे जो है वो ब्लैक में जो है वो ज़रा ज़्यादा थी मुझे अच्छी लग रही, लेकिन अब बच्चों का ब्लैक नहीं था लेकिन येलो तो कलर था, लेकिन बस फिर मैं बस चेक करती रही, मैंने ली नहीं ना। और ये पीछे से बड़ी अच्छी थी और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। ये जो है ना यहाँ पे कुछ ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स थे, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी, कुछ जो है ना आप मतलब होम डेकोर की काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। ये ज्वेलरी का जो बॉक्स है ना छोटा सा, ये बड़ा क्यूट था। और ये जो है ना आप मतलब क्या था ये सिक्के शिक्के रखने वाला वो गल्ला कहते हैं इसको, तो ये भी जो है ना काफ़ी चीज़ें इस टाइप की यहाँ पे पड़ी हुई थी। फ्रेम्स थे ये भी बड़े प्यारे प्यारे थे, डिफरेंट डिज़ाइंस थे, लिखे हुए भी थे मतलब कोट्स वगैरह भी लिखे हुए थे, डिज़ाइंस भी बने हुए थे, फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट आप ये भी ले सकते हो और ये $1 में आपको एक ही मिले गए। तो बस ये मुझे फ्रेम्स भी बड़ी अच्छी लग रही थी। ये उससे आगे जो है ना ये बड़ी फ्रेम्स भी कुछ पड़ी हुई थी और इसमें से जो है ना मैं ढूंढ रही थी कि कोई ऐसे मिल जाए बच्चों के रूम के लिए तो मैं ले लूं, क्योंकि बच्चों के रूम में इस तरह की चीज़ें लगी हुई बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये कुछ फ़ोटो फ्रेम्स भी ऊपर पड़ी हुई थी, उनकी भी वो चीज़ें बड़ी अच्छी थी ये होम डेकोर की भी। और ये कुछ वाटर बॉटल्स थी बच्चों के स्कूल के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो ये जावेर को बड़ी पसंद आ रही थी एंग्री बर्ड वाली, लेकिन मैंने नहीं ली, मैंने कहा अभी अभी तो ली थी ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो खैर ये कुछ केचप बॉटल्स इस टाइप की चीज़ें, ये प्लास्टिक के जग्स और ऊपर जो है वो स्ट्रॉज वाले जो कप्स होते हैं बच्चों के लिए वो भी थे। और इसी तरह आगे जो है वो फिर से स्पून होल्डर और ये छोटे छोटे ड्रॉज वाले ऑर्गेनाइज़र्स, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, इनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी थी और मतलब ना आपको $1 में एक ही मिलेगा ये भी। और बस यहाँ पे कुछ बॉटल्स भी पड़ी हुई थी, आगे बॉटल्स के डिज़ाइन थे, ये ज़रा डिफरेंट सी बॉटल लगी थी मुझे, इसका ओपनिंग वाला जो सिस्टम था ना वो ज़रा डिफरेंट था। इसके बाद ये
कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी लगे हुए थे और दूसरी साइड पे स्टेशनरी की कुछ चीज़ें थी और यहाँ पे जो है वो बर्थडे की चीज़ें थी और साथ ही लाइट भी चलेगी। यहाँ से मैंने बच्चों की बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें ले ली हुई थी, लेकिन बर्थडे तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी तो बर्थडे का ब्लॉग भी अपलोड हो चुका हुआ है तो वो आप देख सकते हैं। ये जो है वो बाद में मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बर्थडे की कुछ चीज़ें ली थी बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फाइनली हम घर आ गए और थक गए क्योंकि हम पहले एक और काम पे गए हुए थे, फिर उसके बाद डॉलर शॉप, तो दोपहर का टाइम था, खाना शाना हमने बिल्कुल नहीं खाया हुआ था, तो अभी भूख भी बड़ी सख लगी है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ, जो मैंने डॉलर शॉप से जो शॉपिंग की है। मुझे ये फ्रेम बड़ी पसंद आ गई थी बच्चों के रूम के लिए, तो जब मैं रेनोवेट करूँगी ना तो फिर मैं लगाऊँगी, या हो सकता है पहले लगा दूँ, देखूँगी क्या करती हूँ। और ये कुछ मुझे शॉपनर्स चाहिए थे अर्शमान के लिए, स्कूल में देने के लिए ना, तो ये शॉपनर्स ले लिए थे। यार ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये बहुत अच्छा है, मेरे सर में दर्द भी हो रही तो मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगी थी। तो अदील जो है ना ये मुझसे करवाते होते हैं और वो हमेशा ले लेते हैं ये वाला ना जो बाज़ार से मिलता है ना वायर वाला, तो वो ले लेते होते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा है तो मैंने ले लिया। ये मुझे बड़ा मज़े का ज़रा मसाजर हेड मसाज, और साथ में ये थोड़े से लिए हैं क्या कहते हैं इनको स्टिकी नोट्स, और ये इनकी बर्थडे के लिए, बच्चों की बर्थडे की मैं करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैंने ये, बस मुझे ये दो ही चीज़ें मिली हैं, और ये जावेयर ने ले लिए हैं शौक से। तो बाकी बस ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी डॉलर शॉप से, तो ये मैंने इस रूम में छुपा रही हूँ क्योंकि ज़ैवी ने जो है ना ये मैं बाद में रखूँगी संभालूँगी, अगर ये ज़ैवी ने देख लिया ना उसने सारे शॉपनर्स निकाल के बैठ जाना है, तो और ये भी लेके वो ख़राब कर देगा, एवी फेंक के तोड़ देगा। तो चलिए जी ये थी मेरी आज की वीडियो। एक्चुअली मैंने इस वीडियो को एंड नहीं किया हुआ था और स्टार्ट भी नहीं किया था, बस जो है ना मैं मतलब चली गई थी, और अगर मैं पहले वाले क्लिप बीच में डालती ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने उसको कट करके जो है ना बीच में से स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। मैंने कहा चलो एक डॉलर जो है ना स्टोर की वो अलग से वीडियो बना लेती हूँ, तो इस वजह से जो है ना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया हुआ था तो एंड भी नहीं किया हुआ था, लेकिन जो है ना मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी एंड कर देती हूँ। तो जी आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।